हेलो गाइस, वेलकम टू मोटो मंत्रा मंत्रा फॉर योर मोटो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 कारों की जो कि 10 लाख के अंतर्गत आती हैं। ये 10 लाख की जो कार है उन सब की प्राइसिंग एक्स शोरूम प्राइसेस है। और साथ ही में इस वीडियो में जो रैंकिंग की गई है, जो गाड़ियों की रैंक आएगी वो इस तरीके से की है कि वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई भी करती हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गाड़ी आती है वो है टाटा की टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन जो कि 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में आती है और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ में भी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स में मिल जाता है और मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरियंट दोनों मिल जाते हैं। ये गाड़ी 108.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है, साथ ही में 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके अंदर खास बात यह है कि इसका जो माइलेज है वो 17 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 21 किलोमीटर पर लीटर तक है। ऐसे में इसका जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि 350 लीटर है। और इसकी खास बात है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इलेक्ट्रिक कार में देखने को मिल सकती है। इसकी जो प्राइस है वो 6.60 लाख से लेकर 11.07 लाख के बीच में देखने को मिल सकती है। अब जो दूसरी गाड़ी आती है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में आती है और 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ में आती है। इसका जो पेट्रोल वेरिएंट है इसके अंदर आपको BS6 भी देखने को मिल जाएगा और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट दोनों देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है और 74 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है। इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो अराउंड 268 लीटर का है और ये जो ओनर एवरेज देती है वो अराउंड 22 से लेकर 28 kmpl तक देती है। इसकी जो प्राइसिंग है वो 5.14 से लेकर 8.84 लाख के बीच में देखने को मिल जाती हैं। अगली जो गाड़ी आती है वो है हुंडई की i20। हुंडई की i20 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में आती है, जिसके अंदर आपको दूसरा डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 1.4 लीटर डीजल इंजन है। ये भी 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन है और जो इसका इंजन है वो 88 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है और 224 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसकी ये जो गाड़ी है इसका एवरेज 17 kmpl से लेकर 22 kmpl के बीच में है और इसका जो बूट स्पेस है वो अराउंड 285 लीटर का है। इसकी जो प्राइसिंग है वो 5.53 लाख से लेकर 9.34 लाख के बीच में देखने को मिल सकती है। जो अगली गाड़ी आती है वो है मारुति की बलेनो। इसकी जो कीमत है वो 5.67 लाख से लेकर 9.1 लाख के बीच में देखने को मिल सकती है, जिसका 1.1 लीटर इंजन है। इसके अंदर 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स दोनों देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी 83 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क और साथ ही में इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है। 340 लीटर का इसका बूट स्पेस है और इसका जो माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि अराउंड 21 kmpl से लेकर 27 kmpl के बीच में देखने को मिल सकता है। अगली जो गाड़ी आती है वो मारुति सुजुकी की डिज़ायर है, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों के साथ देखने को मिलती है। ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट दोनों देखने को मिलेंगे और इसके अंदर 73.75 bhp का ये पावर प्रोड्यूस करती है और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसकी जो बूट स्पेस है वो 378 लीटर का है और इसकी खास बात ये इसका जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा है, वो अराउंड 22 kmpl से लेकर 28 kmpl के बीच में इसका माइलेज देखने को मिल जाता है। जो अगली गाड़ी आती है वो भी मारुति की तरफ से आती है, मारुति की विटारा ब्रेजा, जो कि सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है इसकी SUV लुक की वजह से। और इसके अंदर आप 1.3 लीटर का डीजल इंजन ही देखने को मिलता है और इसके अंदर 5 स्पीड ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स देखने को मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरियंट दोनों देखने को मिल जाएंगे। 200 न्यूटन मीटर का इसका इंजन टॉर्क प्रोड्यूस करता है और अराउंड 90 bhp की इसका इंजन पावर प्रोड्यूस करती है। इसका जो ओनर एवरेज है वो काफ़ी अच्छा है, अराउंड 22 से लेकर 26 किलोमीटर पर लीटर के बीच में देखने को मिल जाता है और उसका बूट स्पेस भी सही है, 328 लीटर। ऐसे में जो उसकी प्राइस है वो 7.64 से लेकर 10.58 लाख के बीच में देखने को मिल जाती है। जो अगली कार आ रही है वो है हुंडई वेन्यू की। हुंडई वेन्यू के अंदर आपको तीन तरह के वेरिएंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला 1 लीटर के साथ में आता है, जिसके अंदर 3 सिलेंडर स्टॉक इंजन है, जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन है। और जो दूसरा वेरिएंट है वो 1.2
लीटर पेट्रोल इंजन है और तीसरा 1.4 लीटर डीजल इंजन है। इसकी खास बात है कि इसके अंदर 7-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। 171.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है इसका इंजन और अराउंड 120 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, इसका जो बूट स्पेस है वो 350 लीटर का है और इसका ऑन एवरेज जो देखा गया है वो करीबन 17 kmpl से लेकर 22 kmpl के बीच में देखा जा रहा है। इसकी जो प्राइसिंग है वो 6.50 से लेकर 11.11 लाख के बीच में देखने को मिल जाती है। अगली जो गाड़ी आ रही है वो है होंडा की होंडा अमेज, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। इसका जो इंजन है वो अराउंड 80 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है और 200 Nm का टॉर्क। ऐसे में इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बूट स्पेस है अराउंड 420 लीटर का और इसके जो माइलेज है वो भी बहुत अच्छा है, 19 kmpl से लेकर 27 kmpl के बीच में। इसकी जो प्राइसिंग है वो 5.93 लाख से लेकर 9.79 लाख के बीच में देखने को मिल जाती है। अगली जो कार आती है वो है टाटा की टाटा टियागो, जो कि 1 लीटर इंजन के साथ में आती है, जो कि पेट्रोल और डीजल वेरिएंट दोनों देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों है। 69 bhp का इसका इंजन पावर प्रोड्यूस करता है और 140 Nm का टॉर्क। ऐसे में इसका जो बूट स्पेस है वो 242 लीटर है, जो कि काफ़ी कम लगता है और जो ऑन एन एवरेज है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि 23 से लेकर 27 kmpl के बीच में है। जो अगली कार है और सबसे लास्ट कार है वो है टोयोटा की ग्लेंजा, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन वेरिएंट के साथ में आती है, सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट है, जिसके अंदर 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों देखने को मिल जाता है। इसका जो इंजन है वो 82 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है और अराउंड 130 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसका जो बूट स्पेस है वो 340 लीटर का है। इसका जो ऑन ऑन एवरेज देखा गया है वो करीबन 19 kmpl से लेकर 23 kmpl के बीच में देखा गया है। इसकी जो प्राइसिंग है वो 7.29 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में देखी जा सकती है। तो ये कुछ 10 बेस्ट कार्स थी जो कि 10 लाख के अंदर देखने को मिलती है। अब यदि मेरे से कोई पूछे कि इसमें से बेस्ट पिक कौन सा होगा, तो इसमें से सबसे ऊपर वाली जो कार थी जिसका नाम है टाटा नेक्सॉन, वो उसकी प्राइस को भी जस्टिफाई करता है टर्म्स ऑफ सेफ्टी प्लस इसका माइलेज प्लस का बूट स्पेस, या इसकी डिज़ाइन ले लो या और कुछ इसकी बातें ले लो। ये गाड़ी अपने आप में बहुत अलग है, यूनिक है और ये टाटा की मेहनत आप इस टाटा नेक्सॉन गाड़ी में ज़रूर दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आई है तो करना क्या है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके सुझावों के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं, उनको सुनने के लिए रेडी रहते हैं। और क्या चाहिए, अंगूठे की ज़रूरत है, अंगूठे के लिए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और प्रेस करना है बेल आइकन को और उसके बाद में आराम से सो जाना है इस वीडियो को देखने के बाद में। तो आई एम सुखिल विद सुरेश, पीस आउट।